जो इसी के जैसे हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से देखते हैं कि पहले लाइन पे देखो कितने प्लेयर्स हैं। देखो पहले मैंने लिखा, अब 1 बाय 10 से तो चेक नहीं करेंगे, 0 से लेकर 9 तक का प्राइम नंबर चेक करेंगे अगर नहीं है, क्योंकि वहां कोई उल्टे आगे पीछे नहीं हो जाते। आप प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट करें, 11 को प्राइम नंबर में कंसीडर करते हैं तो 11 का 11 ही रहना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग 13 पे, 13 को देखें तो 31 बन जा रहा है, ठीक है। 13 का क्या बन जा रहा है हमारे पास, 31 बन जा रहा है। ऐसे आगे आएंगे, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 17, 17 का जगह 71, 71 का प्राइम नंबर है 7 + 7 = 71, किसी की टेबल्स में नहीं आता, तो हां 71 भी प्राइम नंबर है और सेम बनता है, 17 71 सेम डिजिट्स के बन गया। उसके बाद चेक करेंगे को कौन सा प्राइम नंबर होगा, उसका 19 पे देखा हमने 91, इसके आगे के नंबर्स लिख दिए, 91 भी प्राइम नंबर्स है, हां 91 भी है, क्या हमारे पास प्राइम नंबर्स है। और देखते हैं क्या है उसके, 21 नहीं होता, 23 होता है, लेकिन जैसे ही इसको उल्टा करेंगे 32 हो जाता है, तो 32 हो जाता है तो ये तो नहीं हो सकता। अगले वाले कितने मिले, एक इसने पहले से 11 इसने पहले दिया था, 70 वाला 71 मिल गया, 19 का 91 मिल गया, 23 हो गया। फिर आगे बढ़ लेंगे, ऐसे ही हम लोग आगे को बढ़ते रहेंगे और हमें चेक करना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 32 हो गया, इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे आप, तो 23 का 25 नहीं होता, 26, 27, 27 भी नहीं होता, 9 के बाद आता 27, ऐसे एक 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29 देखें, 29 को हम लोग 29 अगर हम लोग लेते हैं प्राइम नंबर्स में, लेकिन इसके नीचे करेंगे इसको उल्टा तो 92 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता इसके बाद, ठीक है। इसके बाद 30 तक का पहुंच गया, 31 देख लेते हैं, 31 हमने पहले से बनाया हुआ है, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट पहले से है। इसके 31 वाली टेबल हो गई, 32, 33, 34, ऐसे आगे आना है, हमने कहां तक आना है, 99 तक का चेक करना है, 100 तक का चेक करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास सेम है। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो हम लोग इसको, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर हैं, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स होते हैं, एक होता है इसका, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको एक मिलेगा बस 79, उसका कितना होता है 97 होता है, और आपको फिर बाकी कोई और नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक मिलेगा आपको 37 का कितना हो जाएगा 73, 1 2, हमने कितने पेयर्स लिखने हैं क्या इसके, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 3.2, तो फाइनल नंबर बोथ हैं तो सेम मैंने सर दे दिया, फिर अप टू 100 तक का हमने इसमें पेयर्स लिखने थे, तो इसमें 100 तक के पेयर्स मैंने आपको बता दिए, तो 70 आएगा और एक 71 आएगा, एक 37 आएगा तो उसका 73 हो जाएगा, एक 79 आएगा तो 97 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कौन सा 91 शायद डिविजर है मेरे ख्याल से, तो ये हमारा डिविजर है किससे, 13 से डिविजर होता है 91, कितनी रैम होता है 91, 13 से डिविजिबल आप चेक कर लेंगे आगे, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारे पास क्या है, इस नंबर क्या है हमारे पास, कौन कौन से नंबर मिले हमें, एक हमें मिले 79, 97, दूसरा मिला 37, 73 और तीसरा क्या मिला था हमारे पास 17, 71, तो ये तीन ही हमारे पास नंबर्स हैं जो सेम डिजिट्स के हैं और दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो इसकी सेम डिजिट के प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 17, 71, 37, 73 और 79, 97। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट डाउन द सेपरेट द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर लेस देन 20, 20 से लेकर के 1 से लेकर के 20 तक का, लेस देन 20 मतलब 20 से कम, 20 से कम कहां तक का, 0 से लेकर के 20 तक के, हमने क्या लिखने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिखने हैं, तो एक जगह लिख देते हैं हम लोग प्राइम नंबर, दूसरी जगह लिख देते हैं कंपोजिट,
आप क्या करना, हमने जैसे वन दिखाना, वन क्या होता है, कंपोजिटर प्राइम होता है, तो हमने पढ़ा था ना तो कंपोजिटर ना ही प्राइम होता है, ठीक है, तो वन तो आएगा नहीं। अब बात करते हैं टू, टू क्या हो गया हमारे पास प्राइम नंबर, ये सबको पता है। थ्री क्या हो गया हमारे पास प्राइम नंबर, फोर क्या हो गया कंपोजिट, फाइव क्या हो गया प्राइम नंबर, सिक्स क्या हो गया कंपोजिट, सेवन क्या हो गया प्राइम नंबर, एट ऐसे लिखते जाएंगे, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन अप टू, कहां तक बोला है अप टू ट्वेंटी तक बोला है, तो ट्वेंटी नहीं आएगा, वहीं तक का लिखना है तो ट्वेंटी नहीं आएगा, ठीक है। तो कहां आ गया हमारे पास प्राइम नंबर्स, हमारे पास मिल गए ये जो ट्वेंटी तक का और कंपोजिट नंबर ये मिल गए। पता तो है आपको प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का थ्री और फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं व्हाट इज द ग्रेटर प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, इसको ऐसे बना लेंगे या फिर ऐसे नहीं बनाना, तो प्राइम नंबर लिखा है आपने को 2 3 5 7 11 लिख दिया, ऐसे कंपोजिट नंबर लिखा उसके आगे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 टू 10, 10 के बीच में हमने क्या बताना है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो पहले हम लोग देखते थे प्राइम नंबर्स हैं क्या, 1 के बीच में 2 है अभी बनाया था वैसे हमने, 2 है 3 है 5 है 7 है और 9 तो नहीं होता, 8 भी होता 9 भी नहीं होता है, तो क्या हो गया इसके बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 7, लिख देंगे तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आंसर में सिंपल 7, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 टू 10 रिस्पेक्ट टू 7। तो आज क्वेश्चन 3 ही करते हैं, इसके आगे वाले और प्राइम नंबर्स 6 7 8 तक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।